Indian Partnership Act 1932. सुनो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर हम बात करें ये क्या है, किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कवर करती है, इट इज पार्टनरशिप, राइट? दो लोग, तीन लोग, चार लोग मिलके क्या करते हैं, दे कम टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड दे डोंट नीड टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड. ऑल्दो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन है, बट कहीं पे भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है. तो अगर आज मुझे किसी के साथ मिलके बिजनेस करना है, ऑल दैट आई हैव टू डू इज ड्राफ्ट अ डीड एंड स्टार्ट वर्किंग, राइट? एंड अगर डीड नहीं भी है तो भी आई कैन वर्क, राइट? पार्टनरशिप एक सच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ट्रेमेंडस फ्लेक्सिबिलिटी देता है ऑफ डूइंग योर बिजनेस. एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड कि हम साथ मिलके काम करेंगे, हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे और जो भी हम काम से प्रॉफिट या लॉस अर्न करेंगे वो हम आपस में बांटेंगे इन दिस रेशियो दे हैव एग्रीड टू, राइट? सो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं. अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें तो पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय जस्ट वन पर्सन, कम से कम दो लोग होने चाहिए. ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, देखो ऐसे तो कोई लिमिट यहां पे नहीं लिखी हुई है, पर अगर हम सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट की बात करें तो वहां पे आपको एक इलीगल एसोसिएशन का प्रोविजन मिलता है जिसमें रूल के द्वारा लिमिट किया गया है कि 50 लोगों से ज्यादा के अगर आपका कोई भी एसोसिएशन है तो यू हैव टू गेट इटसेल्फ इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी, ठीक है? मतलब अगर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, कम से कम दो मेंबर्स, ज्यादा से ज्यादा 50, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं इन अ पार्टनरशिप. कोई भी पार्टनरशिप, वी आर डिस्कसिंग द एलिमेंट्स, ओके? कोई भी पार्टनरशिप की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज गवर्न्ड बाय द एग्रीमेंट. देखो सबसे इजी एक्ट है, सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे इजी एक्ट और सबसे फेमिलियर एक्ट भी है, क्योंकि आपने पार्टनरशिप के बारे में इतना कुछ पढ़ा है ना कि आपको ये सारी चीजें इजी लगती है. एग्रीमेंट, कोई भी पार्टनरशिप एक्ट किससे गवर्न होती है, बाय एन एग्रीमेंट. दैट मींस व्हाटएवर द पार्टीज, व्हाटएवर द पार्टनर्स डिसाइड एज अ सर्टेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट इज पुट डाउन इन राइटिंग और उसी से हमारी चीजें गवर्न होती हैं. ओके, जरूरी नहीं है कि आपका एग्रीमेंट राइटिंग में ही हो, बट पार्टनरशिप डीड जो होती है इट इज यूजुअली इन राइटिंग ओनली बिकॉज इट्स अ डीड. बाकी आपका ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि आपका राइटिंग में ही एग्रीमेंट हो. हम जो भी पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं इट इज फॉर्म्ड फॉर अ पर्पस, फॉर अ बिजनेस, फॉर एन ऑक्यूपेशन, फॉर सर्टेन प्रोफेशन, राइट? तो मतलब आप डिसाइड करते हो कि अगर आपको गेन होगा या लॉस होगा, जो भी है आप डिवाइड करोगे. दैट मींस देयर इज आल्सो एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन व्हाटएवर रेशियो बी डिसाइडेड. इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम acting for all. What does this mean? Or you can closely relate this concept to mutual agency. Mutual agency मतलब एक partner firm का भी agent होता है और एक partner दूसरे partner का भी agent होता है. That is what distinguishes this particular form of business organization. मैं अगर काम कर रही हूँ, मैंने कुछ भी काम किया, मैंने किसी के साथ भी कोई deal crack की, कुछ भी किया, I am the partner of a firm. जहां पे चार और पार्टनर्स हैं, मतलब हम टोटल पांच पार्टनर्स हैं, तो आई विल बाइंड द फर्म एंड आई विल आल्सो बाइंड अदर फोर पार्टनर्स. मतलब अब उनको भी वैसे ही काम करना पड़ेगा जो मैंने किया है. अगर कुछ लॉस भी हो जाता है तो उसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनके घर से भी पैसा उठाया जा सकता है. दे विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल, दे विल ऑल्सो बी लायबल. सो एनी वन पर्सन can act for others also or business on can be carried on by all also. मतलब सब मिलके भी काम कर सकते हैं और कोई एक person सबको भी bind कर सकता है. That is what is unique in partnership.
अगर हम बात करें द टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप, इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 6. सेक्शन 6 बोलता है कि आप पार्टनरशिप को कैसे डिटरमाइन कर सकते हो. उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एग्रीमेंट का. देखो, अगर एग्रीमेंट दिख जाता है ना, तो हमें पता चल जाता है हाँ ये पार्टनरशिप है. अदरवाइज ये पार्टनरशिप है या नहीं है ये हम डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है. जैसे दो लोग हैं, काम कर रहे हैं, इसने उसका उठाया काम, उसने उसके लिए कुछ कर दिया, उसने आर दे वर्किंग एज पार्टनर्स, आई मीन ये क्या पार्टनरशिप है. हाउ टू डिटरमाइन कि ये पार्टनरशिप है या नहीं है. देखो, तो पार्टनरशिप डिटरमाइन करने का सबसे पहला तरीका हो गया एग्रीमेंट, है ना. अगर आपका एग्रीमेंट है, ठीक है, तो पार्टनरशिप है. मतलब देयर हैज टू बी सर्टेन कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बाय लॉ आई हैव बिकम दिस पर्टिकुलर पार्टनर, जैसे HUF के केस में होता है. HUF के केस में आपने उस फैमिली में अगर बर्थ ले ली, तो आप HUF ऑटोमेटिकली बन गए. आप HUF का पार्ट ऑटोमेटिकली बन गए. दैट इज नॉट ड्यू टू अ सर्टन एग्रीमेंट. तो देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. मतलब दोनों एग्री करने चाहिए टू सर्टन पॉइंट, राइट, टू सर्टन ऑब्जेक्टिव. अगला है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. जो भी पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करते हैं. पर ये अकेला एग्जाम्पल नहीं दे सकता हमको. मतलब स्टैंड अलोन हम सिर्फ क्योंकि दो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि दो लोग पार्टनर्स हैं. क्या दोनों एक दूसरे को बाइंड कर सकते हैं? दैट मीन्स क्या उन दोनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट आता है? क्या उन दोनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट आता है? कैन दे एक्ट फॉर वन अनदर? इज इट सो? अगर ऐसा है तो देयर इज दैट इज अ ट्रू पार्टनरशिप. तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप अगर हम कवर्ड अंडर सेक्शन 6 देखें, तो आपका एजेंसी आ जाता है, आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स आ जाता है, और आपका एग्रीमेंट आ जाता है. ये तीन एलिमेंट्स को हम इन्वॉल्व करते हैं. देन यू हैव ऑल्सो सर्टन टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस. या अगर हम डिफरेंसेस, you also need to see differences from other forms of business organization. Other forms of business organization matlab kya? You can say a company. To company aur ek partnership form mein kya difference hai? Dekho, company kya hoti hai? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. जबकि पार्टनर्स क्या होते हैं? पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म, इट्स ऑल द सेम. उनकी कोई भी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है. जबकि कंपनी के केस में क्या होता है? लायबिलिटी इज लिमिटेड. द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, वेयर एज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज नॉट लिमिटेड. ओके, अगर हम प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी या जो हमारी कंपनी होती है, उस केस में क्या होता है? द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. दे मे और मे नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड. बट पार्टनरशिप के केस में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. एजेंसी की अगर बात करें, तो मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ द कंपनी, वेयर एज पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो ऑफ अदर पार्टनर्स. जो फर्म की प्रॉपर्टी होती है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है सारे पार्टनर्स की. बट जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, वो मेंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है. पार्टनरशिप में आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते. मतलब सपोजेडली मैं 20% की पार्टनर हूं एंड आई वांट दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कि मैं इस पर्सन को पार्टनरशिप, अपनी पार्टनरशिप दे रही हूं. नहीं, आप नहीं कर सकते हो. ऐसे आप नहीं कर सकते अनलेस यू टेक द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. बट अगर हम शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें, तो हम किसी भी पर्सन को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, व्हेन द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. मैनेजमेंट कौन मैनेज करता है एक पार्टनरशिप फर्म को? सारे पार्टनर्स मैनेज करते हैं, बट कंपनी को मेंबर्स मैनेज नहीं करते. कंपनी को मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किए हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं. रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप के केस में कंपलसरी नहीं होता है. कंपनी तो बन ही नहीं सकती बिना रजिस्ट्रेशन के. इनकॉर्पोरेशन जरूरी होता है, ठीक है. अगर हम नंबर ऑफ मेंबरशिप की बात करें, तो प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट. पार्टनरशिप मिनिमम 2, मैक्सिमम 50. राइट, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, बट फर्म आपका डिसॉल्व हो सकता है. पार्टनरशिप रादर कैन बी डिसॉल्व्ड ऑन डेथ या इंसॉल्वेंसी, कुछ भी ऐसा हो जाता है तो उस पर भी डिसॉल्व हो जाती है. अगर हम बात करें पार्टनरशिप हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ क्लब, क्लब से कैसे डिफरेंट होती है? क्लब क्या होती है? क्लब इज काइंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द मेंबर्स ओनली, राइट.
मतलब मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, उनसे ही पैसा लेके उनके ही बेनिफिट के लिए हम कुछ कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। पार्टनरशिप भी मेंबर्स के लिए है, मेंबर्स का बेनिफिट है, बट वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए है। क्लब प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता है, प्रमोट करने के लिए होता है। सपोजिटली इट्स प्रमोटिंग योर हेल्थ, इट्स प्रमोटिंग सम रिक्रिएशन फैसिलिटीज और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो क्लब के मेंबर्स मेंबर्स होते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर का फर्म की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है, क्लब के मेंबर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। एंड क्लब की मेंबरशिप हो ना हो, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लब, बट पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। अगर हम इसको HUF से कंपेयर करने की कोशिश करें तो HUF में क्या होता है, HUF तो अपने आप क्रिएट हो जाता है, राइट? छोटा सा काम होता है, मतलब एज सून एज वी टेक बर्थ इट इज क्रिएटेड, बट पार्टनर्स में आपको एग्रीमेंट देना होता है। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो इट लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि हम चार लोगों ने पार्टनरशिप की थी, उसमें से एक नहीं रहा तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो गई ना, भले ही आप फर्म को कंटिन्यू करो आगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो पार्टनरशिप तो तुरंत डिसॉल्व हो जाती है, बट HUF के अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाए तो इट डज नॉट गिव राइज टू एनी डिसोल्यूशन। पार्टनर्स सारे मिलके काम करते हैं, HUF के केस में कर्ता इज रिस्पॉन्सिबल, राइट? कर्ता इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर एवरीथिंग, बिकॉज HUF का तो मेंबर एक छोटा सा माइनर भी होता है, तो उसको थोड़ी ना आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा दोगे। हर पार्टनर बाइंड कर सकता है अपनी एक्ट से, कर्ता या मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है उस केस में। पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और HUF के केस में सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ओके, पार्टनर एक गवर्निंग लॉ की अगर हम बात करें पार्टनरशिप के केस में, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होती है, और HUF जो है हमारा वो हिंदू लॉ से गवर्न होता है। माइनर की अगर बात करें तो माइनर भी HUF का पार्ट होता है, बट माइनर की अगर हम पार्टनरशिप के केस में बात करें तो माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, बट ही कैन बी बेनिफिटेड और ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो उसको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स लेने के लिए हम बना भी सकते हैं। HUF में कोई लिमिट नहीं है, HUF में कोई लिमिट नहीं है, आप जितने बच्चे कर सकते हो उतने आपका क्या हो जाएगा, HUF बढ़ता जाएगा, बट पार्टनरशिप के केस में देयर इज अ लिमिट, वो हमने 50 पहले ही पढ़ा। अगर हम बिजनेस के शेयर की बात करें, हर पार्टनर के पास एक डिफाइंड शेयर होता है। HUF में कोई भी जितने को पार्टनर्स हैं उनके पास कोई भी ऐसा कोई डिफाइंड शेयर नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर हम पार्टनरशिप को डिफरेंशिएट करें फ्रॉम को ओनरशिप, को ओनरशिप मतलब क्या होती है, जैसे एक लैंड है, मैंने और आपने मिलके ये लैंड खरीदा है, सो हमारा क्या है उसमें एक डिफाइंड शेयर है, वी आर जस्ट ओनर्स, मतलब मैं अपना सेपरेट पार्ट जब चाहूं तब सेल भी कर सकती हूँ, राइट? सो आई कैन ट्रांसफर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, बट पार्टनरशिप के केस में विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर ओनर्स, बट पार्टनरशिप के केस में आई कैन नॉट डू सो, राइट? पार्टनरशिप हमेशा क्रिएट होती है by certain you can say contract या certain agreement, but अगर हम बात करें को ownership की तो it can also happen by operation of law। जैसे एक father थे, उनके जो एक land था वो दो बेटों में बट गया, so वहां पर क्या हो गई, हमारी को ownership हो गई, I did not want, फिर भी हो गई, right? और partner तो agent होता है, co owner दूसरे person का agent नहीं होता है। Moving on to the differentiation between association. Association क्या होता है? Association is a normal word out of evolving out of a social cause, कि हम साथ में मिले हैं, not necessarily to earn profit, and partnership is very different. तो ये तो हो गया हमारा how do we differentiate from other forms of business organization. इसके बाद अगर हम बात करें types of partnership की, सबसे पहले partnership at will. Will मतलब क्या होता है? मर्जी. So हमारी मर्जी की partnership है, जब चाहें तब हम उस पार्टनरशिप को तोड़ सकते हैं, एट विल है, जब तक इच्छा करेगी तब तक चलेंगे, सो द ड्यूरेशन हैज नॉट बीन फिक्स्ड। उसके बाद होती है पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड, हमने फिक्स कर लिया कि हम 5 साल के लिए पार्टनरशिप करने वाले हैं, 5 साल के लिए हमने पार्टनरशिप की है, द ड्यूरेशन इज ऑलरेडी फिक्स्ड, तो 5 साल बाद अपने आप वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, एक्सपायर कर जाएगी। देन यू हैव अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मैंने बोला कि इस लैंड को सेल करने के लिए हम एक पार्टनरशिप कर लेते हैं, सो वी विल लुक फॉर द ओनर्स, और हम मतलब जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क, फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर हमने पार्टनरशिप की है, तो बस इस टास्क से जुड़े हुए हम सारे काम साथ में करेंगे और इससे जो भी प्रॉफिट होगा वी विल शेयर, सो इट इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देन यू हैव अ जनरल पार्टनरशिप, जो पर्टिकुलर नहीं होती है वो जनरल हो जाती है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है पार्टनरशिप डीड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वेयर हैव आई रिटन इट? पार्टनरशिप डीड ही नहीं लिखा मैंने. पार्टनरशिप डीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एक्चुअली पार्टनरशिप डीड की बहुत सारी चीजें यहां पे ऐसे कवर हो गई है, मे बी दैट्स व्हाई. पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप कैसे गवर्न होती है? देखो, पार्टनरशिप इज फुल्ली गवर्न्ड बाय द डीड. एक्ट का इसमें कोई रोल नहीं है. आप जो एग्रीमेंट में लिख दोगे वो ये एक्ट मान लेगी. सो यू हैव दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी. आपको किसी एक्ट से कोई लॉ गवर्न नहीं कर रहा है कि आपको अपने पार्टनर के साथ कैसे मिलकर टर्म्स, किस टर्म्स पे काम करना है. वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी डिसाइड करो. बट अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो एक्ट आएगी. एक्ट बोलेगी हम गलत तो नहीं होने दे सकते ना, तो एक्ट आएगी और एक्ट बोलेगी फिर आपको ये मानना पड़ेगा. ठीक है, सो ये आपका एग्रीमेंट राइटिंग वर्बली कैसे भी हो सकता है, बट अगर ये नहीं है तो उसके बाद क्या चीजें होंगी. और आप पार्टनरशिप डीड जैसे जो एग्रीमेंट है, विच इज द सोल थिंग यू कैन से, जैसे कंपनी के लिए मेमोरेंडम और आर्टिकल्स होते हैं, वैसे पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड है. तो इसमें आप क्या क्या लिखते हो मैम? फुल डिटेल्स. फुल डिटेल्स मतलब फर्म का नाम क्या होगा, पार्टनर्स कौन होंगे, पार्टनर्स का एड्रेस क्या होगा, उनका नेम, प्लेस, कब ये पार्टनरशिप शुरू होगी, कब तक ये पार्टनरशिप चलेगी, किसका क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, किसको को कोई रेम्यूनरेशन देंगे क्या, किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, कैसे हम अकाउंट्स को सेटल करेंगे, कैसे किसी पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, कैसे किसी पार्टनर को निकाला जा सकता है. एवरीथिंग रिलेटेड टू दीज थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर पार्टनरशिप डीड. इसके बाद हम बात करते हैं पार्टनर्स की. पार्टनर्स कितने तरीके के हो सकते हैं, द टाइप्स ऑफ पार्टनर. सबसे पहली बात आती है एक्टिव पार्टनर या एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर. ये तीन नाम होते हैं, सिनोनिम्स हैं, तीनों का मतलब एक ही है. ये वो लोग हैं जो एक्चुअली दे टेक एक्टिव पार्ट इन द डे टू डे बिजनेस, मतलब डेली काम कर रहे हैं तो वो एक्टिव पार्टनर्स हैं. स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर जो एक्टिवली काम नहीं करते हैं, बट स्टिल दे आर लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म. अगला होता है नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर मतलब वो पर्सन जिसने सिर्फ अपना नाम लेंड किया हुआ है हमको, कई बार ऐसा होता है ना कि अगर प्रोफेशनल्स भी हैं, हमें पता है कि हम क्या कहते हैं, हमारे पास कोई क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, तो हमने कहा कि आप ही हमारे पार्टनर बन जाइए, काम सारा हम करेंगे, सिर्फ आपका नाम यहां से जुड़ा रहेगा ना, तो उससे हमारे फर्म की गुडविल बढ़ती रहेगी. तो उसने क्या कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ नाम दिया है. मतलब ना तो उसने कुछ पैसा लगाया है, ना वो कुछ बिजनेस में पार्ट लेता है, पर फिर भी क्योंकि उसने नाम दिया है, उस नाम को देख के बहुत सारे लोग आते होंगे, सो ही विल बी लायबल फॉर द एक्ट. ओके, फिर एक ऐसा पार्टनर होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में पार्टनर होता है. मतलब अगर लॉस होगा तो मैं आई विल नॉट बेयर इट, बट अगर प्रॉफिट होगा तो मेरा ये शेयर होगा. इनकमिंग पार्टनर्स, जिस पार्टनर को हम नया एडमिट करते हैं या आता है उसको हम बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर, और जो पार्टनर जाता है उसको हम बोलते हैं आउटगोइंग पार्टनर. जैसे किसी की डेथ हो गई तो वो चला गया, रिजाइन कर दिया वो चला गया, उन सबको हम क्या बोलेंगे, आउटगोइंग पार्टनर्स. देन यू हैव अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. जब एक पार्टनर होल्ड्स आउट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, मतलब अपने कंडक्ट के द्वारा उसने प्रतीत कराया, उसने लोगों को दिखाया कि यस आई एम द पार्टनर, सो ही बिकम्स लायबल टू थर्ड पार्टीज. चार लोग बैठे हुए हैं और आपने आके बोला कि आप डील कर रहे हो, सो यू आर प्रिटेंडिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टीज एज अ पार्टनर ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्म, तो आप उनके लिए लायबल भी होगे. इसके बाद आती है बात सारी जनरल बातें. ओके, द जनरल ड्यूटीज, ये जो जनरल ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की वो क्या होती हैं, कि आपको बिजनेस ठीक से कैरी ऑन करना है, यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट, बी फेथफुल टू ईच अदर. अगर कोई फ्रॉड होता है तो आपको इंडेमनिफाई करना होगा फॉर एनी लॉस. मतलब अगर आपने कोई फ्रॉड किया है, सो यू नीड टू इंडेमनिफाई. इंडेमनिफाई का मतलब क्या होता है, मेक गुड द लॉस, मतलब उसकी भरपाई करना, लॉस की भरपाई करना. अगर हम बात करें राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं वो कैसे डिटरमाइन होती हैं, तो इट इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10. तो जो भी पार्टनर्स ने अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया है, दैट इज थ्रू द पार्टनरशिप डीड, यहां पे वैसे ही राइट्स आपकी गवर्न होगी. मतलब देयर हैज टू बी कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज, और आप बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर पर्सन कैसे कैरी ऑन करेगा, क्या करेगा, एवरीथिंग. देयर कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, और उसमें लिखा हो सकता है कि पार्टनर बिजनेस नहीं करेगा. मतलब अगर आप यहां पे फर्म में हो तो आप सेपरेटली बाहर अपना कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो. जो भी राइट्स वगैरह हैं आपको क्या कन्फर की जाएंगी, दैट कैन बी डिसाइडेड थ्रू पार्टनरशिप एग्रीमेंट. इसके बाद अगर हम बात करें कंडक्ट ऑफ बिजनेस की, कवर्ड अंडर सेक्शन 12. मतलब
अगेन ये भी राइट्स का ही पार्ट है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि पार्टनर्स के पास अधिकार होता है कि वो डे टू डे बिजनेस में पार्ट ले सकते हैं. मतलब बिजनेस कैसे चल रहा है, अरे यार मुझे लायबल आप ठहराओगे तो मुझे हक भी तो दोगे कि मैं बिजनेस में पार्ट ले सकूं, मैं देख सकूं कि बिजनेस कैसे चलेगा. सो आई हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. आई हैव द राइट टू बी कंसल्टेड. अगर कोई डिसीजन लेना है तो सारे पार्टनर्स मिलके लेंगे, ठीक है, तो मुझे कंसल्ट करने का भी आपको अधिकार है. एंड आई ऑल्सो हैव द राइट टू एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मतलब मैं देखूंगी बुक्स में क्या चल रहा है, आई एम द पार्टनर, व्हेन आई एम द पार्टनर. इसके बाद अगर हम बात करें सर्टेन म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 13. देखो अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो सब चीज एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, पर अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या आपको रेम्यूनरेशन मिलेगी? नहीं. ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. सो नो पार्टनर इज एंटाइटल टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स मिलेंगे, ठीक है. तो देखो या तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब हमारे एग्रीमेंट में लिखा है कि ये पर्टिकुलर पार्टनर ये काम करता है और अगर कोई भी पार्टनर ये काम करता है तो उसको इस रेट पे हम रेम्यूनरेशन देंगे, या फिर ये ट्रेड का कस्टम हो. मतलब हर जगह यही होता है कि जो भी पार्टनर ये काम करता है उसको ये तो दिया जाता है रेम्यूनरेशन. सो इफ इट इज द यूजेज ऑफ द फॉर्म, मतलब ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में आप मांग सकते हो, अदरवाइज आप नहीं मांग सकते हो. देन राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, अगर आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वेरी गुड, आपने जो भी रेशियो बोल दिया 1:4 कुछ भी उसमें हो जाएगा. बट अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है या आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है, द पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं देते हो अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट या कोई ट्रेड कस्टम है या फिर कहीं स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, मतलब लॉ हमें बोलता है कि नहीं यहां पे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो आप देंगे. अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप तभी दे सकते हो या तो कोई ट्रेड कस्टम हो या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हो. रही बात इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस की, तो उसका रेट है 6% पर एनम. इफ नथिंग इज रिटन, दैट मींस किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस दिया है, फर्म को पैसे की जरूरत है, नॉट अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एडवांस दिया है, तो उस एडवांस पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा. ओके. हर पार्टनर के पास अधिकार होता है टू बी इंडेमनिफाइड फॉर द लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. मतलब अगर कुछ भी उनको लॉस हो रहा है और उन्होंने प्रूडेंटली काम किया, अच्छे से काम किया है, तो दे हैव दैट राइट टू गेट इंडेमनिफाइड अगर उनका कोई लॉस हुआ है तो. और साथ साथ पार्टनर मस्ट इंडेमनिफाई द फर्म एनी लॉस फॉर एनी विलफुल निग्लेक्ट. देखो पार्टनर फर्म को बाइंड कर सकता है, सारे पार्टनर्स को भी बाइंड कर सकता है, तो अगर पार्टनर से कोई गलती भी हो गई तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फर्म ही रहेगा. पहली बात तो फर्म की ही आएगी, फर्म पैसा देगा, फर्म की प्रॉपर्टी, सब चीज फर्म की ही आएगी. बट अगर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, अगर आपकी निग्लेक्ट की वजह से फर्म को लॉस हुआ है तो आप भी इंडेमनिफाई करेंगे फर्म को. उसके बाद अगर हम बात करें पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की, पार्टनरशिप में जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? See, सारे पार्टनर्स ने मिलके एक पूल में कंट्रीब्यूट किया है तो ये सारे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है. जो इंटरेस्ट है, इट इज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ऑल द पार्टनर्स. तो लाइकवाइज गुडविल भी होती है. गुडविल मतलब क्या? गुडविल एक वो चीज है, मतलब बिजनेस की ऐसी रेप्यूटेशन है जो आपको आगे अर्न करने में हेल्प करती है. जैसे हम कैलकुलेट करते हैं 3 years परचेज, मतलब आज से 3 साल तक हम इस गुडविल पे पैसे कमा सकते हैं, हमने इतनी रेप्यूटेशन कमा ली है, ठीक है. तो रेप्यूटेशन का भी पैसा होता है. क्यों? क्योंकि अगर आज मान लीजिए कि मैं कोई मोबाइल फोन सेल करने लगूं इन द नेम ऑफ रेडमी, तो लोग रेडमी सुनेंगे और खरीद लेंगे. वो ये नहीं देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या है और क्या नहीं है, तो वो उसकी गुडविल है. तो वो गुडविल पे ना आप पैसा कमा रहे हो, राइट? तो गुडविल भी क्या होती है? पार्टनर्स की जॉइंट प्रॉपर्टी होती है. कभी भी कोई भी इनकमिंग पार्टनर होता है तो उसको गुडविल के नाम पे पैसा देना पड़ता है, जितनी गुडविल आज तक हमने कमा ली है. कोई आउटगोइंग पार्टनर होता है तो हम उसकी गुडविल का शेयर उसको देते हैं, राइट? अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट पार्टनर्स अर्न करते हैं तो उनको क्या करना है? वो फर्म को पे कर देना है और अपने पास नहीं रखना है, ठीक है. ये उनकी ड्यूटी भी होती है. देन यू ऑल्सो हैव सर्टन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म. मतलब कोई नया पार्टनर आ गया या कोई पुराना पार्टनर चला गया तो क्या होगा? क्या उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज बदल जाएंगी? नहीं, बदलेंगी नहीं, वो वैसी ही रहेंगी जैसी वो थी.
अगर मान लीजिए एजेंट की हम बात करें, दैट इज सेक्शन 18, तो पार्टनर एजेंट की तरह काम करता है, ये हमने ऊपर ही एस्टैब्लिश कर लिया था. जब हमने टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप देखा तो उसमें म्यूचुअल एजेंसी का एक कंसेप्ट था और हमको समझ में आ गया कि हाँ पार्टनर क्या होता है, एक एजेंट होता है फर्म का. इसके साथ साथ और इम्पोर्टेंट बातें ये हैं. देखिए बहुत सारे अब आपके छोटे 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 सेक्शंस आते हैं. मेनली चीजें जो हमने थी वो हमने कवर कर ली हैं, बट स्टिल देयर आर फ्यू छोटे छोटे सेक्शंस जिसको कि मैं ऐसे ही आपके साथ डिस्कस करती हूं. सबसे पहला है सेक्शन 22, एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी. मतलब क्या है कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्या हो सकती है, आपकी जो अथॉरिटी है उसको हम रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं. ठीक है, पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी. देखो हो सकता है कि हमारे पास इतनी ही अथॉरिटी हो काम करने की, पर कोई इमरजेंसी आ गई. अब जब मेरे पास अथॉरिटी नहीं भी होती है पर इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, जैसे आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक है, तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है किसी भी पर्सन को ट्रीट करने की, बट अगर कोई इमरजेंसी आ गई, मुझे दिख रहा है कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है, सो एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो मैं करती, एज अ वुमन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो मैं करती, तो मैंने क्या किया, कुछ पट्टी वट्टी बांध दी, जो भी मैं फर्स्ट एड कर सकती थी नॉर्मल कोर्स में वो मैंने किया. ठीक है, सो आई डिड नॉट हैव द अथॉरिटी, फिर भी मैंने किया. ऐसे ही पार्टनर्स के केस में भी होता है, पार्टनर्स के पास अगर अथॉरिटी नहीं भी हो फिर भी अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो इट इज गोइंग टू बाइंड द फर्म, ओके, इवन विदाउट अथॉरिटी. नाउ लाइबिलिटी की बात करते हैं. अगर हम लाइबिलिटी की, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 25, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म. अगर फर्म कुछ भी काम करता है तो क्या पार्टनर उसके लिए लायबल होगा? द आंसर इज यस. पार्टनर्स क्या होते हैं? दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म. बट अब मुझे ये बताओ, अगर पार्टनर से कोई गलती हो गई तो क्या उसके लिए फर्म लायबल होगा? गलती हुई है, दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 26. और वो क्या बोलता है कि यस द फर्म विल बी लायबल. पार्टनर से भी अगर कुछ गलती होती है फॉर ऑल द रॉन्गफुल एक्ट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. देखो गलती हर इंसान से हो सकती है, अगर आप काम कराओगे तो आपको गलती भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. नॉर्मल अगर हम घर में भी हमारा कोई भी हेल्पर होता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए कुछ काम कर रहा है तो वी हैव टू सपोर्ट हिम और हर. हमसे भी अगर हम भी वो काम कर रहे होते तो हमसे भी वो गलती हो जाती, तो उससे भी हुई तो वी हैव टू एक्सेप्ट द फ्लॉज ऑल्सो. तो पार्टनरशिप के केस में भी ये चीज होती है. बट अगर अगर पार्टनर को कोई पैसे मिले और उन्होंने उस पैसे को मिस अप्लाई किया तो जो फर्म है, ठीक है, एंड द मनी और प्रॉपर्टी इज मिस अप्लाइड व्हाइल इट इज इन कस्टडी ऑफ द फर्म, फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस. इसका मतलब क्या है मैम? अगर कोई भी पार्टनर अपनी अथॉरिटी के अंदर किसी भी पर्सन से पैसे ले रहा है थर्ड पार्टी से और उसने मिस अप्लाई किए, वो पैसे कहां गए? तो फर्म को लॉस जो भी थर्ड पार्टी को हुआ उसकी भरपाई करनी पड़ेगी. दैट इज एग्जैक्टली कि हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए जैसे आपको पार्टनर के पे करना पड़ता है, वैसे ही आपको मिस एप्लीकेशन के लिए भी पे करना पड़ेगा. ओके, जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है या जाता है फर्म से, डिसकंटिन्यू करता है, तो उसके बाद ही डज नॉट इंटरफियर इन द बुक्स इन द बिजनेस एंड उसके पास अधिकार होता है कि उसको अपने शेयर मिलेगा, द शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, एंड जितना भी उसका शेयर होता है वो एसर्टेन किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है और उसको पे कर दिया जाता है. क्या माइनर को हम पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं? नहीं, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, बट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. देखो माइनर मेजर यहां पे हुआ, सो माइनर जब तक माइनर था, दैट इज बिफोर अटेनिंग द मेजॉरिटी, उसको सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉफिट्स का शेयर दे सकते हैं, उसके पास पर्सनल लायबिलिटी कोई नहीं हो सकती है फॉर द डेट्स. बट जैसे ही उसने मेजॉरिटी अटेन की, हम उसको 6 मंथ्स का टाइम देते हैं टू डिसाइड कि क्या वो पार्टनर बने रहना चाहता है या वो पार्टनरशिप से हटना चाहता है. अब अगर उसने पार्टनर बनने की
इच्छा दिखाई कि हाँ आई वॉन्ट टू बी द पार्टनर एंड नाउ ही इज मेजर ऑल्सो, तो अब ही विल नाउ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. दैट इज मतलब अब उसको प्रॉफिट्स लॉसेस हर चीज को देखना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा, राइट. अगर वो ये नोटिस नहीं देता है, अगर वो ये नोटिस नहीं देता है तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months. जब वो पार्टनर बन जाता है तो ही बिकम्स पर्सनली लायबल टू ऑल द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स. ओके, देखो उसके बाद हमारे कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन 31, 32, 33, मतलब इंट्रोडक्शन, इनकमिंग ऑफ अ पार्टनर, देन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. जब पार्टनर आता है तो उसकी लायबिलिटीज आप कैसे डिटरमाइन करते हो, अगेन एग्रीमेंट के थ्रू ही, ठीक है. और जब पार्टनर रिटायर करता है, कैसे रिटायर कर सकता है, सबकी मर्जी से रिटायर कर सकता है, अगर एट विल है तो कभी भी वो छोड़ सकता है, अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से छोड़ सकता है, अदरवाइज ऑल्सो ही कैन रिजाइन अगर उसको लगता है कोई रीजन, तो मतलब बातचीत करके ऐसा कर सकता है. इसके बाद राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंप्लीटिंग बिजनेस, सेक्शन 36. हम बोल सकते हैं कि जो पार्टनर बाहर जा रहा है, सपोजली वो पार्टनर हमारे साथ था, उसको इस फर्म के सारी चीजों के बारे में पता है, कहां से हम प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल लेते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, हर चीज. अब आप बाहर जा रहे हो, जस्ट बगल में आपने एक दूसरी फैक्ट्री खोल ली और सेम हमारे वेंडर्स, सब चीज सेम करके आप काम करने लगे, तो इतने दिन में जो हमने मेहनत, इतने दिन में जो हमने नो हाउ कमाया, उसको क्या किया आपने, तो पूरा का पूरा बेकार कर दिया, राइट. क्योंकि आप उसका फायदा उठा रहे हो और अब हम इतने लोग हैं, हमने फर्म बढ़ाया था. तो कई बार ऐसा क्या होता है कि फर्म रिस्ट्रिक्ट कर सकता है उस आउटगोइंग पार्टनर को कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में सेम लाइन ऑफ ट्रेड नहीं कर सकते फॉर सच एंड सच इयर्स, ठीक है, या आप फर्म का नाम नहीं यूज कर सकते, या आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अपने आप को कि हम इस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं. ओके, एंड दिस इज अलाउड, दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ऐसा हम नहीं बोलेंगे. Then there is section 37. Section 37, right of outgoing partner. ये हमने जब accounts पढ़ा होगा तो बहुत ज्यादा ये section 37 का use होता है कि मान लीजिए for certain reasons you are unable to settle the accounts, ठीक है, तो क्या होता है, मतलब partner की death हो गई समझ लीजिए और फिर भी हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ठीक है. अब क्या हुआ, उतने time तक, जितने time तक आपने इस partner का पैसा use किया है, कैपिटल तो आपने उसी दिन दे नहीं दिया, जब तक आपके अकाउंट सेटल नहीं हो जाते उतने टाइम पीरियड तक आपने क्या किया, इस पार्टनर के फंड्स को यूज किया है. सपोजली हमारा कैपिटल लगा था 5 लाख, तो आपने उतना अमाउंट यूज किया है ना, तो उतना अमाउंट आपने यूज किया है तो जो प्रॉफिट्स का शेयर होगा वो भी आप देंगे, ठीक है. तो उसको कैलकुलेट करने का पूरा अपना एक फॉर्मूला है. इसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की. देखो रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, फर्म को रजिस्टर कराना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप चाहो तो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो. यू हैव टू सेंड द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 58. सो आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो भी आपके एरिया का रजिस्ट्रार होता है उसको, अब तो सब चीजें ऑनलाइन होने लगी हैं, तो आप क्या करते हो, बाय पोस्ट या डिलीवर कर देते हो उनको, और स्टेटमेंट देते हो साथ साथ जिसमें सारे डिटेल्स रहते हैं. सारे डिटेल्स मतलब फर्म का नाम क्या है, उनका बिजनेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस क्या है, कब किस पार्टनर ने ज्वाइन किया, उन सारे पार्टनर्स के एड्रेस, द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, एवरीथिंग. ओके, इसमें भी कुछ अनडिजायरेबल नाम को आपको ध्यान में रखते हुए पार्टनरशिप फर्म का नाम बताना होता है. एंड यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड. आपको क्या मिल जाता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब अगर हम रजिस्टर नहीं कराते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस आप कुछ फायदों से वंचित रहते हो. दैट मीन्स यू आपको कुछ बेनिफिट्स जो मिलने वाले थे वो नहीं मिलते हैं. दैट मीन्स देर आर सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन कवर्ड अंडर सेक्शन 69, विच सेज दैट कि आप कभी भी सिविल कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकते, नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म और एनी अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस कर सकता है, आप थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते हो. पार्टनर्स को सेट ऑफ क्लेम का रिलीफ नहीं मिलता है. कोई भी अगर एग्रीव पार्टनर है, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर सकता है, पर थर्ड पार्टी आपको स्यू कर सकता है. सो दैट इज द डिफरेंस, मतलब आपका ये नुकसान होता है एक तरीके से. इसके बाद हम बात करते हैं डिसोल्यूशन की. डिसोल्यूशन
सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैवंट रिटन हियर, ठीक है. सो ऐसा आप मत सोचिएगा कि दैट्स ऑल, आप उसमें ऐड करते जाओ इफ यू वांट टू, और इट्स जस्ट लिसन टू मी, ठीक है. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग अलग है. कोई भी अगर एक पार्टनर चला गया तो पार्टनरशिप तो तुरंत डिसकंटिन्यू हो गई, ठीक है. मतलब यहां पे आपको फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बट आपका फर्म डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है. फर्म आपका कोर्ट के ऑर्डर से भी डिसॉल्व हो सकता है, पार्टनरशिप तो कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्व नहीं होगी. कोर्ट ये थोड़ी ना बोलेगा आप चार जो पार्टनर्स हो ना आप इसमें से एक ही हट जाओ, आपको फर्म को डिसॉल्व करा सकता है, राइट. सो पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना जरूरी है टू डिसॉल्व द फर्म. पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तब फर्म डिसॉल्व होता है, बट पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी जरूरी नहीं है कि फर्म डिसॉल्व हो जाए. पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. एक पार्टनर चला गया तो पार्टनरशिप टूट गई, फर्म थोड़ी ना टूटा, फर्म चलता जाएगा, राइट. सो पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व होती है तो आपको पूरे के पूरे बुक्स वगैरह क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बाइंडिंग अप करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू सेल योर एसेट्स एंड एवरीथिंग. बट अगर पार्टनर फर्म डिसॉल्व होता है तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी. कोई भी अगर रिटायर हो गया पर्सन तो वो चला गया, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, फाइनल बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है हमको, हमको वाइंडिंग अप करने की जरूरत नहीं है, हमको एसेट्स बेचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. इसके बाद अगर हम बात करें द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसॉल्व कैसे कैसे हो सकता है, एग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है कवर्ड अंडर सेक्शन 40, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है जैसे कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है अगर आप कुछ इलीगल कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो. डिसोल्यूशन हो सकता है ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, जैसे कोई पार्टनर की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया पर्सन, आपका फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, मतलब या फिक्स टर्म के लिए था, 5 साल के लिए था, 5 साल बाद अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा. अगर पार्टनरशिप एट विल थी तो कभी भी डिसॉल्व हो सकता है बाय गिविंग अ नोटिस. हमने बोला था जब तक चलेगी तब तक चलेगी, आज मन नहीं किया तो आज डिसॉल्व हो जाएगा. डिसोल्यूशन कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकता है. कोर्ट के ऑर्डर से कैसे हो सकता है, थ्रू मिसकंडक्ट, इंसैनिटी, ऐसा हो सकता है, या फिर किसी ने कुछ ब्रीच किया हो, इन कारण से हो सकता है. दे कैन बी परपेचुअल लॉसेस, मतलब आपके फर्म में लॉसेस होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे, तो कोर्ट को लगा कि इस फर्म को चलाने का कोई मतलब नहीं है, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया और डिसॉल्व हो गया. जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स हो सकते हैं. जब फर्म डिसॉल्व हो जाता है उसके बाद भी पार्टनर्स की लायबिलिटी खत्म नहीं होती है, उसके बाद भी पार्टनर्स की लायबिलिटी खत्म नहीं होती है. देखो इसके साथ एक और बात होती है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को नहीं पता है, इससे मैं एक और बात को रिलेट करना चाह रही हूं. अगर कोई पार्टनर है जो रिटायर करके बाहर जा रहा है, ठीक है, आप बाहर चले गए फिर भी आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होती है. आपकी लायबिलिटी क्यों नहीं खत्म होती है, क्योंकि किसी और पर्सन को नहीं पता है कि आप बाहर चले गए हैं. सो जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दे देते तब तक आपकी लायबिलिटी चलती रहेगी इन रिलेशन टू दैट थर्ड पार्टी. और अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पे भी अगर किसी को नहीं पता है कि फर्म डिसॉल्व होने वाला है तो जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी एक्चुअली एग्जिस्ट करेगी. इट एक्चुअली वर्क्स इन द फेवर ऑफ थर्ड पार्टीज जिनको कि कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है. पर अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई है तो उस सिचुएशन में ये अप्लाई नहीं करेगा एंड द लाइक सिचुएशंस. पार्टनरशिप अकाउंट सेटल करने के लिए तो आप पार्टनर्स बने ही रहेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप आप पार्टनर्स बने ही रहेंगे. मतलब उतना काम करने के लिए तो पार्टनर बने रहना पड़ेगा ना, वो काम तो पार्टनर की तरह ही करना पड़ेगा, बट अदरवाइज यू सीज टू बी द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, तो उसके बाद आप कोई काम नहीं करते हो. सो दैट्स इट विद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932.